आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है, जहां जिला मुख्यालय में बीते रोज दिन दहाड़े एक 55 वर्षीय महिला की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने महज 12 घंटों में खुलासा कर वारदात को अंजाम देकर महोबा से भागने की फिराक में आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समन नगर इलाके का है, जहां घर में 55 वर्षीय महिला केशकली की अज्ञात लोगों ने सिर कुचल कर नृशंस हत्या कर दी थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने खून से सना पत्थर का सिल महिला के सिर के ऊपर से बरामद किया था। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना पाकर आनंद फानंद ने पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम, सीओ सदर राम प्रवेश राय, शहर कोतवाल अनूप कुमार दुबे सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच हत्यारोपी का सुराग लगाने में जुट गया था। इस अंधे हत्याकांड की घटना के महज 12 घंटों में पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी मुन्ना यादव पुत्र मनबोधन यादव को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण कर दिया। सुभाष नगर महोबा में एक महिला का पत्थर से प्रहार करके उसके मुंह पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में परिवार वालों द्वारा 3 आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसमें से एक मुन्ना यादव की मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की डायरी फाटक से हमारी महोबा पुलिस द्वारा की गई है। शेष कार्रवाई जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये तो विवेचना का विषय है, आगे और पता चलेगा। जो तहरीर में लिखा गया है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।